नमस्कार। आई अर्नेस्टली थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर बीइंग हियर विथ अस दिस इवनिंग। आई एम इलेटेड टू बी एबल टू वेलकम दोस ऑफ यू दैट हैव बीन अटेंडिंग दिस वंडरफुल वर्कशॉप फॉर लास्ट 5 days, एज वेल एज दोस ऑफ यू हु आर जॉइनिंग अस टूडे फॉर द फर्स्ट टाइम। The Sangeet Natak Academy, India's National Academy for Music, Dance and Drama, and Shilpa in Varanasi deserve all appreciation for this incredible initiative. मैं इस भव्य कार्यशाला का पृष्ठपोषक, शीर्षस्थ संगीत विद्वान एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष पंडित राजेश्वर आचार्य, विदुषी प्रोफेसर अर्चना दीक्षित, संगीत संकल्प का राष्ट्रीय महानिदेशक डॉक्टर मुकेश गर्ग एवं अति आदरणीय मेरे बड़े भाई सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित देवाशीष डे जी को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। संगीत के प्रचार प्रसार के लिए देवाशीष दा और शिल्पायन का महत्वपूर्ण योगदान बहुत ही सराहनीय है। क्यूडोस टू देवाशीष दा एंड हिज स्प्लेंडिड शिल्पायन। आज के वर्कशॉप के लिए मैंने 4 रागे चुने हैं। आज हम राग मारू बिहाग से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम 3 बार ओम बोल के सा लगाएंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को इसका आरोह अवरोह बताएंगे, थोड़ा सा चलन बता के इसमें हम बंदिश सीखेंगे। क्योंकि आज का वर्कशॉप ऑनलाइन हो रहा है तो मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कौन कहाँ पे बैठे हैं, पर मैं ये ज़रूर आशा करती हूँ कि जहाँ पे भी आप लोग बैठे हैं वहाँ से आप लोग मेरे साथ गाएंगे। तानपुरा सुनाई दे रहे राग मारू बिहाग। इसका आरोह अवरोह है सा गा को तीव्र मा प नी सा। सा अवरोह है सा नी धा पा तीव्र मा गा तीव्र मा गा रे सा। एक बार मैं गा रही हूं, इसके बाद फिर आप लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे। सा गा मा पा
अब आप लोग भी गाइए मेरे साथ, सा गा मा राग में शुद्ध माँ का भी प्रयोग होता है। कैसे होता है मैं आप लोगों को थोड़ा सा चलन बताती हूँ इस राग का, उसमें आप लोग देख पाएंगे कि शुद्ध माँ का कैसे हम इस राग में प्रयोग करते हैं। राग का चलन कुछ इस प्रकार है, सा मा मा गा, ये है शुद्ध मध्यम, गा मा मा गा तीव्र मध्यम, सा गा मा गा रे सा, और रे लगाने का जो एक खूबसूरती है इस राग में, सा नी सा ग रे सा, ये तो सिंपल हो गया, नी सा ग रे आ आ आ शुद्ध मा नी सा मा गा मा पा गा मा गा
इस राग में मैं दो बंदिश आप लोगों को बताऊंगी। पहला बंदिश रात के अल साए पियरवा, रात के अल साए पियरवा, सेजरिया नहीं आई पियरवा, रात के अल साए पियरवा, सेजरिया नहीं आई पियरवा। ये इसका स्थाई और अंतरा है काहू कलवरिया, काहू कलवरिया, मद सो छकाओ, मद सो छकायो, कहू कलबरिया, मद सो छकायो, सौतन काहू बेरमाए, सौतन काहू बेरमाए पियरवा। मैं एक बार आप लोगों को गा के सुनाती हूँ, फिर हम लोग इसको रिपीट करके गाएंगे। और इस ये जो बंदिश है इसका जो टेम्पो है ये थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि उसी में इस बंदिश का जो ब्यूटी है वो उसी टेम्पो में ही खिलता है, कम कम में ही अच्छा लगता है ये बंदिश, तो इसलिए हम टेम्पो थोड़ा सा कम रखेंगे इसमें। रात के ये दस मात्रा से बंदिश का प्रारंभ होती है, तीन ताल में है और दस मात्रा से धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा रात के आल सा, सा पे सम है। रात के आल गाते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे जो छोटे छोटे हरकतें हैं वो आप लोग सुन के गाने की कोशिश करेंगे। रात के आल रात के आल साए पियरवा, रात के आल साए पियरवा, रात के अल साए पियरवा। आप लोग गाइए रात
रात के अनसाए पियरवा से जरिया नहीं आए, पियरवा से जरिया नहीं आए, पियरवा से जरिया नहीं आए, पियरवा रात के अनसाए पियरवा रात के अनसाए रात के अनसाए पियरवा रात के अनसाए पियरवा से जरिया नहीं आए, पियरवा से जरिया नहीं आए, पियरवा से जरिया नहीं आए, ये वेरिएशन से जरिया नहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो बंदिश है किसकी रचना है। ये बिहार के बहुत ही विद्वान हैं पंडित रामूजी मिश्रा जी की रचना है। रात के अनसाए पियरवा रात के से जरिया नहीं आए, पियरवा रात के अनसाए पियरवा खाली से इसका अंतरा कहू कलबरिया कहू कलबरिया मद सोचा कहू कलबरिया मद सोछकायो कहू कलबरिया मद सो छकायो कहू कलबरिया मद सोछकायो कहू कलबरिया मद सोछकायो सात ने सातन कहू बीर माए पियरवा रात के अनसाए पियरवा रात के अनसाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी गा रहे हैं और अगर कहीं पे भी आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कुछ समझ में नहीं आ रहे तो आप पूछ सकते हैं। एक बार ताल के साथ हम ये बंदिश को बिठाते हैं। रात के Oh.
वैसे ही तालों में भी जैसे पहले पानी पा से लेके गा इतना ही हम रेंज ले लेते हैं कि इसमें हमें ताने बनाना है, आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ गा। रात के आले साए पियरवा निज निज पानी बज निज पानी सा निज भवानी सा रे निज 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 गगरे सा निज पानी सा गरे सा निज पानी बज निज गगरे सा। आगे नहीं जाए उतने में क्या क्या वैरायटी और हो सकता है। निज 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 पानी 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 बज निज नि नि सा सा बाबा नि नि बाबा सा सा नि नि सा सा गगरे सा निज नि 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 गगरे सा निज नि नि गगरे सा निज नि गरे सा निज बज सा निज बाबा निज गरे सा निज। इसी में ही हमें सोचना है क्योंकि ख्याल जो है इसका अर्थ है कल्पना या विचार, और जो कल्पना करते हैं हम वो खुद का ही होते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, इस राग में हमें आरोह अवरोह दे दिया गया है कि ऐसे ऐसे इसका चलन है, ये लगेगा, ये स्वर कोमल है, ये स्वर तीव्र है। अब हमें उसको ठीक रख के हमें उस राग को पूरा गाना पड़ता है, और जो भी हम गाते हैं उसमें कुछ रटा हुआ नहीं होता है, वो हमारा उस समय का कल्पना होता है कि उस राग को लेके हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। तो ख्याल में भी जैसे हम गाते हैं हर एक स्वर को, जैसे नीचे से लेके एक जैसे पास से हम गा तक बता रहे, इसमें हम क्या क्या और कर सकते हैं और क्या सोच हम डेवलप कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी जाके गानों में जो है वैरायटी आते हैं। अब गा तक हमने सोचा है, कुछ कुछ आया भी है ताने, इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक स्वर करके हम आगे बढ़ेंगे, माँ तक जाएंगे, प तक जाएंगे, उसमें हम क्या वैरायटी कर सकते हैं वो स्वरों को लेके, फिर धीरे धीरे ऐसा करके जैसे विस्तार में हम आगे बढ़ते हैं वैसा करके हम धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ेंगे तानों में भी। ऐसा इस प्रोसेस में अगर हम ताने गाएंगे तो इसमें काफ़ी वैरायटी भी दिखते हैं और अच्छा भी लगता है सुनने में। जब हम बच्चों को सिखाते हैं शुरुआत में हम बहुत दिन तक अलंकार सिखाते हैं, सा सा रे गा मा मा नी सा सा नी ना मा मा गा रे सा 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 रे रे गा गा मा मा सा 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 रे 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 सा 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 रे 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 सा रे रे गा गा मा मा पा, ये सब अलंकार हम काफ़ी सारे अलंकार सिखाते हैं। और उसका ये फायदा होता है जब हम राग सीखना शुरू करते हैं तब हम जब ताने गाते हैं उसी पैटर्न को हम दिमाग में रख के, जैसे सा सा रे गा मा पा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, इसमें सारे स्वर लग रहे हैं। अब हम मारू विहाग में इसमें कैसे गाएंगे, सा गा मा पा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, जो स्वर नहीं लगते उसको हम हटा दिया, बाकी स्वर लेके हमने उसको बना दिया, सा सा गा मा पा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा, सा गा गा मा मा पा पा नी नी सा 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 नी दा पा मा गा रे सा, ये ताने बन गए अलंकार से, सा 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 गा 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 मा मा पा 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 नी नी सा 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 नी दा पा मा गा रे सा नी सा। रात के
sa 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 ga 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 ma 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 ba 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 ni 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 sa 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 ni da ba ma ba ma ga de sa ni sa ra te ke ऐसे सा गा गा मा मा बा बा नी नी सा सा नी दा बा मा गा रे सा रा ते के आले सा। तो अलंकारों का जो अभ्यास है वो सभी विद्यार्थियों को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि हम जब ताने गाते हैं उसमें हमें बहुत ही हेल्प मिल जाते हैं इससे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम गुरुओं से सीखे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जैसे जो स्टूडेंट जो सीख रहे हैं अभी और सीखना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी ये सब टेक्निक अपनाएं और इसको अपने गाने में प्रयोग करें, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले इससे। एक बार हम दोबारा इस बंदिश को गा के फिर दूसरे बंदिश में हम जाते हैं। रात के आले साए पियरवा, रात के आले साए पियरवा, से जरिया नहीं आई पियरवा, रात के दूसरी बंदिश जो है ये मेरी गुरुजी पद्मभूषण पंडित राजन मिश्र जी की कंपोजिशन है। सघन बन बोल रे कोयलिया, सघन बन बोल रे कोयलिया, वसंत ऋतु आई सहलरिया, वसंत ऋतु आई सहलरिया। ये स्थाई है, अंतरा है पपीहा पुकार लागे जिया हुंकार, पपीहा पुकार लागे जिया हुंकार, पियरवा नहीं आई हमरो, पियरवा नहीं आई हमरो। सघन बन बोल रे, ये द्रुत लय में गाते हैं, पर मैं पहले थोड़ा सा कम स्पीड में ही गा रही ताकि आप लोग सीख पाए, इसके बाद फिर द्रुत लय में गाएंगे। सघन बन बोल रे कोयलिया, सघन खाली से शुरू है, सघन बन बोल रे कोयलिया, सघन बन बोल रे कोयलिया, बसंत ऋतु आई सहलरिया, बसंत ऋतु आई सहलरिया, पा पा पर मग मग रे सनी
सैलरिया बसंत समय शुद्ध मा बसंत ऋतु माय सैलरिया बसंत ऋतु माय सैलरिया सगन बन बोले सगन बन बोले रे बोले रे कोयलिया सगन बन बोले
इसमें एक क्वेश्चन आया है कि सहलेरिया के बाद सघन कैसे उठाना है। सघन बन बोले रे कोयलिया बसंत ऋतु आए सहलेरिया सघन तब सहलरिया सा पे खत्म करना है। सहलरिया सघन बन बोले रे। इज इट क्लियर? इसमें जो बंदिश है वो हमारे गुरु जी के दादा गुरु पंडित बड़े रामदास जी की रचना है। इसका आरोह मैं पहले बताती हूँ आप लोगों को। एक बार आप लोग भी गाइए इसका आरोह लो। बंदिश है तुम सुजान सब गुण की आगर। तुम सुजान सब गुण की आगर।
मोहन प्यारे नटवर नागर, मोहन प्यारे नटवर नागर। यह स्थाई अंतरा है, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, रामदास पर द्रव हूँ दया कर, रामदास पर द्रव हूँ दया कर, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, रामदास पर द्रव हूँ दया कर। तुम सुजान सब गुण की आगर, तुम सुजान सब गुण की आगर, तुम सुजान सब गुण की आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर, मोहन प्यारे नटवर नागर, तुम सुजान सब गुण के आगर। तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर। तीन ताल खाली से, तुम सुजान सब गुण के आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर, तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर। अंतरा, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, तुम्हारे चरण पर, ये भी खाली से ही है, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, रामदास पर द्रव हूँ दया कर, रामदास पर द्रव हूँ दया कर, तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, तुम्हारे चरण पर शीश धरत हूँ, रामदास पर द्रव हूँ दया कर, रामदास पर द्रव हूँ दया कर, तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के। ताल के साथ गाते हैं, तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम सुजान सब गुण के आगर, मोहन प्यारे नटवर नागर, मोहन प्यारे नटवर नागर, तुम सुजान सब गुण के आगर, तुम
इसमें एक तराना है, मैं वो आपको बताती हूँ। एक ताल में है तराना, तना देरे दिन दिन तनाना, तना देरे दिन दिन तनाना, तना देरे दिन दिन तनाना। ओ दे दानी तुंदे दानी, ओ दे दानी तुंदे दानी, ना ना मरनी जनी दगमा, ना ओ दे दानी तुंदे दानी, ना तना देरे दीम दीम तना ना, तना देरे दीम दीम तना ना, तना देरे। नाइन्थ मात्रा से स्टार्ट है ताल, एक ताल, तना देरे दीम दीम तना ना, 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 ओ दे दानी तुंदे दानी, ना तना देरे दीम दीम तना ना। ये मेरी ही कंपोजिशन है। तना देरे दीम दीम तना ना, तना देरे दीम दीम तना ना, ओ दे दानी तुंदे दानी, ना तना देरे दीम दीम तना ना, तना देरे दीम दीम तना ना। अंतरा सम से है, ओ दे तना ना ना, ओ दे तना ना ना, दीन ता देरे ना, ओ दे ता ना ना ना, दीन ता देरे ना, ओ दे ता ना ना ना, दीन ता देरे ना, दानी दीन ता दीन ता दीन ता, दानी दीन ता दीन ता दीन ता, तीन बार दीन ता, दानी दीन ता दीन ता दीन, ना ना सम मग गद दम मद नि नि नगम, ना ओ दे ता ना ना ना, दीम ता देरे ना, ओ दे ता ना ना ना, दीम ता देरे ना, दानी दीम ता दीम ता दीम ता, दानी ना ना सम मग गद धम मद नि नि गम, ना ओ दे ता ना ना ना, दीम ता देरे ना, ओ दे ता ना ना ना, दीम ता देरे ना, दानी दे दानी दीम ता दीम ता दीम ता, ना तना देरे दीम दीम ता ना ना, तना देरे दीम दीम ता ना ना। तना देरे दीम दीम तना ना, 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 ओ दे दानी तुंदे दानी, ना तना देरे दीम दीम तना ना, ओ दे दानी तुंदे दानी, ना तना देरे।
स्वरण के साथ
मैं एक बार ये बंदिश गाती हूँ, आप लोग सुनिए। स्वर न के सा मन की
बतिया सजन का से कहूँ सजन का सजन का से कहूँ सजन का से कहूँ अपने मन के बतिया अपने मन के बतिया सजन का से गिन गिन रैन बिताऊ गिन गिन रैन बिताऊ तड़पत हूँ निसरतिया तड़पत हूँ निसरतिया और दुखे छतिया और दुखे छतिया गिन गिन रैन बिताऊ गिन गिन रैन बिताऊ तड़पत हूँ निसरतिया तड़पत हूँ निसरतिया भूख उठत हिया में और दुखे छतिया सजन का से कहूँ सजन का से कहूँ सजन का ऐसे सिंपल भी ले सकते सजन का से कहूँ सजन का से कहूँ अपने मन के बतिया अपने मन के बतिया सजन का से कहूँ सजन का से कहूँ गिन गिन रैन बिताऊ गिन गिन रैन बिताऊ तड़पत हूँ निसरतिया तड़पत हूँ निसरतिया भूख उठत हिया में भूख उठत हिया में और सजन का से कहूँ सजन का ताल के साथ एक ताल में है और टेंथ मात्रा से प्रारंभ होते हैं सजन का से कहूँ सजन का से कहूँ अपने मन Yeah.
हमारे पास अभी कितना समय है? हाँ 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 अरे नमस्कार दादा। कितना समय है हमारे पास? अच्छा अच्छा तो एक भजन हम करें अंत में, भजन करके फिर ठीक है। ये भजन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि वन ऑफ माय गुरु पंडित दीपक चैटर्जी रसिक रंग, उन्होंने मुझे स्पेशली मेरे लिए ही कंपोज किए हैं ये भजन, तो मैं चाहूंगी कि बच्चे सीखे और इसको गाए। इसका बोल है, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम, हमारे प्रभु कब मिली है घनश्याम, तुम बिन व्याकुल फिरत चाहो दिशी, मन ना लहे विश्राम, मन ना लहे विश्राम। श्याम